इधर उत्तर प्रदेश जलौन में होमगार्ड कारागार मंत्री सरकार डॉक्टर धर्मवीर प्रजापति ने जिला कारागार में बंद कैदियों से सीधा संवाद किया। इसके साथ ही अपनी बैरकों में खुद तिरंगा झंडा लगाने की अपील भी की। सामने आ रहे त्यौहार को लेकर उन्होंने कहा कि पूरे यूपी के जेलों में रक्षाबंधन पर कोई भी बंदी बिना राखी के नहीं रहेगा। इसके तहत उन्होंने अपील की कि महिलाएं अपने भाइयों के लिए सिर्फ एक राखी लेकर न जाएं, जिन कैदियों की बहनें नहीं हैं उन्हें भी राखी बांधी जाए। क्या प्रोग्राम है, किस तरह से जो है आप होमगार्ड मंत्री हैं, कारागार मंत्री हैं? देखिए, मैं कल से जो है, कल ललितपुर में थे, परसों ललितपुर में थे, झांसी, और आज यहाँ जालौन में मेरा कार्यक्रम हुआ है। एक तो जेलों में जाकर के सीधा मैं जो नौजवान कैदी हैं उनके साथ सीधा संवाद करना, और हमारे होमगार्ड के जवान जितने भी ज़िले में हैं उन नौजवानों के साथ सीधा संवाद करना, उनके बारे में जानना, उनकी अगर कोई सुझाव है तो उनका सुझाव लेना, अपने विभाग की चर्चा करना, और विशेष करके दो अभियान में और इसमें जोड़ता हूँ। एक तो माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना, जो उन्होंने एक अभियान दिया है आज़ादी का अमृत महोत्सव तिरंगा को लेकर के, तो हमारा होमगार्ड जवान, हमारा होमगार्ड विभाग ब्लॉक, जिला और कमिश्नरी स्तर और फिर प्रदेश मुख्यालय पे एक तिरंगा यात्रा भव्य